कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब सुबह मेरी नींद खुले तो मैं अपनी गाड़ी को निकालूं और एक लंबी ड्राइव पर चला जाऊं और रोड साइड के किसी अच्छे से ढाबे पर जाकर एक गर्मा गर्म प्याली चाय की पीऊं। और यकीन मानिए, मैं कभी कभी ऐसा करता भी हूं। और जब मैं एक प्याली चाय की पीता हूं सुबह सुबह, तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। यही तो जादू है चाय का। नमस्कार, मैं हूं राकेश सेठी और टी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे देसी चाय के लिए एक विदेशी पुडिंग। हम बनाने जा रहे हैं रिजोटो पुडिंग। ये बनती है वैसे तो इटालियन राइस से, यानी कि हम इसमें इटालियन चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक खीर है जिसको हम पुडिंग के रूप में सर्व करेंगे। रिजोटो पुडिंग बनाने के लिए आइए सबसे पहले हम दूध को उबाल लेते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि दूध को आप लगातार निरंतर चलाते रहें। ऐसा करने से दूध नीचे लगेगा नहीं। जैसे इसमें पहला बॉयल आएगा, हम इसकी आंच को और धीमा कर देते हैं। और आंच को धीमा करने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। एक लीटर दूध में लगभग 200 ग्राम चीनी डल जाएगी। जब तक चीनी घुल जाए हम इसको चलाएंगे। और उसके बाद इसमें हम खुशबू के लिए डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर। तो लीजिए, आपसे बात करते करते चीनी भी घुल गई। इसमें डालते हैं खुशबू के लिए छोटी इलायची का पाउडर और इलायची डालने के बाद चला लेते हैं। और जैसे ही इलायची इसमें अच्छे से घुल जाए, इसमें हम डालेंगे चावल। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आर्बोरियो राइस। आप चाहें तो अपने मनपसंद चावल इसमें डाल सकते हैं। जैसे जैसे ही ये दूध उबलता रहेगा, जो हमारी पुडिंग है ये गाढ़ी होती रहेगी। ये जो खीर है गाढ़ी हो जाए, इसको हम आग से थोड़ा हटा लेते हैं। और इसमें और भी रिचनेस देने के लिए हम ये क्रीम इसमें डालेंगे। और याद रहे कि क्रीम डालने के बाद इसको उबालना बिल्कुल नहीं है, वरना कई बार ऐसा होता है कि क्रीम जो है वो सेपरेट हो जाती है, यानी कि फट जाती है। अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। आप लीजिए एक कद्दूकस और लीजिए सफ़ेद जो हमारे पास चॉकलेट होता है उसको, और इसको आप कस लीजिए इसके अंदर। जब खीर गर्म होगी तो ये चॉकलेट है ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होके ये, अगर यदि हमारी जो क्रीम है वो फटने वाली हो, उसको ये बाइंड कर लेगा और ठंडा होने में हमारी मदद भी करता है ये चॉकलेट। यानी कि जो पुडिंग है इस वाइट चॉकलेट की मदद से जल्दी से जम जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही आप चॉकलेट को ठंडा करें या फ्रिज में रखें तो वो जम जाता है। इसीलिए हमने डाला है इस वाइट चॉकलेट को। एक तो ये इसमें यमी सा टेस्ट देगा, रिचनेस देगा, और इसको और भी स्वादिष्ट बनाने में हमारी मदद करेगा। अब इसमें हम रंगत और खुशबू के लिए डालेंगे सैफरन। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, इसमें हम डालेंगे चुटकी भर सैफरन। आप चाहें तो इस केसर को दूध में घोल कर भी डाल सकते हैं, या फिर इसी तरह से डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं। इसको एक बारी मिला लेते हैं। जैसे जैसे मैं इसको मिला रहा हूं, केसर अपनी रंगत इसमें देता जा रहा है। इसको एक बोल में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। तो लीजिए जनाब, इस पुडिंग को मैं फ्रिज में रख लेता हूं। लेकिन कुछ पुडिंग मैंने पहले से बना के रखी है, उसको ले आते हैं और दिखाते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे। जितनी देर ये ठंडा हो रहा है, केसर अपना रंग इसमें और भी देता रहेगा। अब बारी आती है इसको प्रेजेंट करने की, इसको सजाने की। तो इसके लिए आइए कुछ फलों को हम इस्तेमाल करते हैं और उनको काट लेते हैं। पहले मेरे पास कुछ अंगूर हैं, काले और हरे। उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हैं, कीवी है, एप्पल है। आपके पास जो भी आपके मनपसंद फ्रूट अवेलेबल हो सीजनल, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें। और मैं लेता हूं ये थोड़े से काले अंगूर, कुछ ले लेता हूं मैं हरे अंगूर। इनको मैं काट लेता हूं छोटा छोटा। इसको हम अंगूरों को छोटा छोटा काट लेते हैं इस तरह से। साथ ही में ले लेते हैं हम थोड़े से काले अंगूर। साथ ही में काट लेते हैं हम ये स्ट्रॉबेरीज।
इनको काटने के बाद अब बारी आती है असेंबल करने की। वैसे तो हम इस पुडिंग को एक बोल में डाल के भी खा सकते हैं, लेकिन हम इस ग्लास में इसको डालेंगे। सबसे पहले इस ग्लास में हम नीचे लेते हैं स्ट्रॉबेरी क्रश और एक चम्मच की सहायता से जो खीर हमने बना के रखी है रिसोटो चावल की, उसको हम इसमें डालेंगे। जैसे हम डालेंगे थोड़ी सी जो हमारी स्ट्रॉबेरी क्रश है वो ऊपर आएगी, इसलिए थोड़े आराम से इसमें धीरे से इसको हम छोड़ेंगे। और इसको डालने के बाद हल्का सा इसको हम दबाएंगे और जैसे जैसे हम दबाएंगे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश ऊपर की तरफ आएगा। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़े से फल, थोड़े काले अंगूर, हरे अंगूर और स्ट्रॉबेरीज, कुछ इस तरह से अरेंज करते हुए कि सभी साइड से हमें नजर आए कलर्स। और एक बार फिर से इसके ऊपर हम डालेंगे ये केसरी खीर और इसको चारों तरफ हम ग्लास के जो सर्कमफ्रेंस है उसकी तरफ इसको पुश करते हुए फैला लेंगे। और सबसे ऊपर इसके हम डालेंगे कुछ चॉकलेट चिप्स। और अब बारी आती है इसको फाइनली सजाने की, तो उसके लिए हम एक सेब लेते हैं और सेब के स्लाइस से एक फैन बनाएंगे, एक फैन। इसको बिल्कुल पतला पतला हम स्लाइस कर लेंगे और स्लाइस करने के बाद इसको हम एक पंखे की तरह इस तरह से खोल लेंगे इसको ऐसे, और यहां पर इसको हम गाड़ देंगे। और साथ ही में लेते हैं एक स्ट्रॉबेरी जिसके ऊपर हरे पत्ते लगे रहे और उसका भी एक फैन के जैसा आकार बना लेते हैं। इस तरह से स्ट्रॉबेरी को हम स्लाइस करेंगे और स्लाइस करने के बाद हम इसको इस तरह से दबाएंगे, ये खुल जाएगा एक फैन की तरह। और इसको हम एप्पल के साथ सटाते हुए इस तरह से रख देंगे। तो लीजिए, एकदम किसी मोर की कलगी की तरह ये लग रहा है और ऊपर से ये लाल रंग और उसकी हरी पत्तियाँ, आई एम श्योर ये काफ़ी आकर्षित लगेगा, घर के हर सदस्य को ये पसंद आएगा। तो लीजिए, हमारी रिसोटो पुडिंग तो तैयार है। तो देखा आपने, ये रिसोटो पुडिंग हमारी देश की जो खीर है उससे काफ़ी मिलता जुलता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको दोबारा बनाने के लिए आप इसका एक रिकैप देखिए। रिसोटो पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में लगभग 1 लीटर दूध को उबाल लें, फिर इसमें 200 ग्राम चीनी डालकर चीनी घुलने तक इसको धीरे धीरे पकाते रहें। अब इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें और साथ ही में इसमें आरबोरी और राइस डालकर चावल के पकने तक इसको धीमी आंच पर हिलाते रहें और पकाते रहें। अब इसमें लगभग 250 ग्राम क्रीम, 100 ग्राम मेल्ट किया हुआ व्हाइट चॉकलेट, 1 ग्राम केसर डालकर इसे अच्छे से मिला लें और एक बॉल में निकाल लें। अब इसे ठंडा होने दें। साथ ही में काले अंगूर, हरे अंगूर और स्ट्रॉबेरीज को छोटा छोटा काट लें और साइड में रख लें। अब एक सर्विंग ग्लास के नीचे एक बड़ा चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश डालें और फिर एक चम्मच की मदद से ठंडी की हुई राइस पुडिंग को डालें और उस ग्लास को आधा भर लें। अब इसमें स्लाइस किए हुए स्ट्रॉबेरी, काले अंगूर और हरे अंगूर डालें और फिर राइस पुडिंग डालकर ग्लास को भर लें। ऊपर से चॉकलेट चिप्स, स्लाइस किया हुआ सेब और स्ट्रॉबेरी से गार्निश करें और इसे ठंडा सर्व करें। रिसोटो पुडिंग और चाय के डबल डिलाइट कॉम्बिनेशन को आप एंजॉय कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और रेसिपी के साथ।